एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सबसे पहले आपको पंकज आर्य का प्रणाम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आपसे मुझे आज कुछ सवाल पूछने आचरण के बारे में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपको प्रथम बार गुरु दर्शन कब हुआ, उसके विषय में कुछ बताएं आप। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वो परमेश्वर एक है, वो सच्चा है, उसका नाम सच्चा है जी। मेरा गांव गिराड़ा था। एक हमारे गांव के डॉक्टर परवीन या डॉक्टरी करते थे, वो गुरुजी के बारे में इससे बताते थे। फुलसंदे से मात्र 2 किलोमीटर का मेरा गांव है। यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। सबसे पहले गुरुजी, मैं भी सब्जी लेने आया था इधर। गुरुजी अपने पापा यानी कि सरपंच साहब के साथ सब्जी लेने गए थे। सबसे पहले मैंने गुरुजी को चौके में वहाँ देखा था। दूसरी बार हमारे निकट एक गाँव है सीकरी बजुर्ग, उसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भंडारा करता था। रात में गुरुजी भी गए थे, उसमें मैं भी गया था जी जी। वो गुरुजी से बातचीत नहीं हो पाई। कब, लगभग कब की बात है ये? ये होगी 82-83 की बात थी। और फिर कुछ दिन बाद में गुरुजी, वे जो डॉक्टर परवीन हैं, उनके यहाँ गए। उन्होंने मुझे सूचना दी सुबह के टाइम कि फुलसंदे वाले महाराज जी आ रहे हैं। फिर जब गुरुजी वहाँ पहुँच गए तो मैं पशुओं का चारा मशीन से काट कर और मैं अपना पसीना सुखा रहा था। लगभग 2 का महीना था। तो डॉक्टर साहब परवीन जी मेरे पास हैं, उनके महाराज जी आ गए। मैं गया मैं गुरुजी के पास, केवल कच्चे कच्चे में। तो गुरुजी नाश्ता कर रहे थे। गुरुजी ने अपनी पकौड़ी में से मुझे पकौड़ी दी। जैसे मैंने गुरुजी के पकौड़ी वो खाई, हाथ चली हुई, तो जैसे एक जादू हो जाता है मेरे दिमाग में, गुरुजी के प्रति एक लगाव और वो जादू सो गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा कि मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। उन्होंने कहा कि इसका क्या अर्थ है। मुझे इस नाम के अर्थ का पता नहीं, मैंने मन कर दिया। उन्होंने बताया कि कृष्ण महाराज का परे बच्ची है। इस तरह से गुरु जी से पहले मिले और फिर मुलाकात पहली इस ढंग से होती बात चित्तों में। अच्छा अच्छा, तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, प्रारंभ काल में आपको आश्रम में किस प्रकार का सेवा कार्य मिला हुआ था। ये हमारा आश्रम कि जो यूँ रोड पर जो नींव रखी गई, ये 12 और 13 अगस्त की रात में हम आए थे। पहले हम छोटे रूप में गुरु जी का जो गांव में घर है उसमें एक आश्रम था, वहाँ रहते थे हम 4-5 लोग। और रात के 2 बजे हम आए थे। तो 1-2 साल तो ऐसे ही ये सामान्य रहा। फिर जो मुझ पर जब से लेकर अब तक बाहर की सेवा है, जो दरबार के काम होते हैं, ऑफिसों के वगैरह के इस तरह के, या जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनकी तैयारी में, फिर प्रचार प्रसार में। अच्छा जी, आपने सवाल आपका माला का जब भी किया है, ये जब आपका लगभग कब पूर्ण हुआ था। ये लगभग 5-5.5 साल पूर्ण हुआ था। मैं ये तो संत तो नहीं बताता कब पूर्ण हुआ था। बाकी मैं प्रचार के लिए, मेरे एक सुदामा देवता थे, हम अमृतसर गए हुए थे और मेरा अमृतसर पूरा हुआ था। फिर मैंने गुरु जी से कहा कि मैंने आज मेरा इस 1.25 लाख माला का जप पूरा हो गया, ये मैं सुमरन आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आप अक्सर बाहर का ही भ्रमण करते रहते हैं, अपनी किसी यात्रा का वर्णन बताइए। किसी व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व प्रदान होता है, किसी के अंदर वायु तत्व प्रदान होता है। जिसके अंदर पृथ्वी तत्व प्रदान होता है वो चलना फिरना पसंद नहीं करता, और जिसके अंदर वायु तत्व प्रदान होता है वो ठहरना पसंद नहीं करता। मेरे अंदर वायु तत्व प्रदान है और मैं बाहर घूमता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत कम है, बाकी ये गुरु महाराज का, स्वामी जी महाराज की कृपा से जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये उनके से कर रहा हूँ। थोड़ी सी एक बात यह है, मुझे जो दिव्य दर्शन होते थे तो मैं दिल्ली गया हुआ था, वहाँ दिव्य दर्शन नहीं होते मेरे। मैंने सोचा कि जाने ये दिव्य दर्शन जो आश्रम में रह कर होते हैं क्या। मैं अपनी मौसी का रुका हुआ था तो वहाँ मुझे दिव्य दर्शन हुए काफ़ी। तो गुरुजी भी दिखाए थे बाद में, गुरुजी बोले कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, परमात्मा सब जगह है और गुरु की परमात्मा की कृपा हर जगह होती है। और आपको खाने में क्या क्या वस्तुएं पसंद है। खाने मुझे मीठी चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, मेरे मीठी चीज़ से मेरा पेट नहीं भरता, और जो बस कुछ भी चीज़ हो मिट्टी चीज़ हो। और आपका नाम गुरु महाराज जी ने अग्नि देवता ही क्यों रखा। मेरा गुस्सा स्वभाव था मेरा, और नाम रखने, ये नाम क्या, ये सब नाम तो मेरा ब्रजेश था,
इसे जो अग्नि देवता इसे बोलते हैं योगपट। योगपट उसे बोलते हैं कि जब शिष्य संन्यास की दीक्षा रहता है तो गुरु उसका जो नाम रखते हैं उसे योगपट बोलते हैं। मेरे अंदर गुस्सा खूब था। 16 दिसंबर 1990 का रविवार का दिन था। गुरु ने मुझसे बता दिया था कि तुम थोड़ा परहेज रखना, और मेरा उस दिन ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत तक खुला कुछ है। गुरु ने मेरे इसका ऑपरेशन करा गुस्से का, और एक नस्ती वो निकाल दी। जैसे मेरा ऑपरेशन को खत्म है, मैं सब देख रहा था। मेरा एक सूक्ष्म मेरे साइड में दाहिने साइड पर लेटा हुआ था, उससे कोई चीरिया फाड़िया। जैसे मैं उठा तो जैसे किसी गुब्बारे में फुलावार एक फिर उसकी हवा खत्म कर दो, तो इस तरह से मेरे शरीर की जो ताकत थी वो खत्म हो गई। उससे ऑपरेशन शुरू होने से पहले यानी 1 बजे का टाइम था, सत्संग का दिन था, उस इस कोने पर सत्संग होता था सिस्टम के नीचे, तो बस लगभग 2-2.5 घंटे में जान सब खत्म होगी। और गुरु ने मेरे जो दिव्य मार्ग भी खोला उसी टाइम। गुस्सा भी ऐसी बात नहीं कि भाई गुस्सा नष्ट हो गया ऐसे। जी गुरु महाराज जी कहते हैं आपको सबसे अधिक दिव्य अनुभव और देवताओं के दर्शन हुए हैं, बहुत सी आने वाली घटनाओं का भी आपको पहले से आभास हो जाता है, ये सब कैसे होता है, कृपया इसके विषय में कुछ पंक्तियां बता दीजिए। ये तत्व है, मेरा जो 90 से पहले जीवन था वो घोर दुनियादारी का था, और यहाँ गुरु जी के चरणों में आकर पता नहीं कैसे कैसे हो गया, जैसे हिमालय से बरसा हुआ पानी अपने आप रास्ता बना लेता। मेरा इसमें कोई ना तो कोई मेरा तप ना जप कुछ नहीं था, ये सब गुरु महाराज की स्वामी जी महाराज की कृपा है। एक लाइन में बताता हूँ, न सलीका आरजू का है, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये कर्म मेरे सतगुरु का जो बात मेरी बनी है जी। दिसंबर 9 में जब गुरु महाराज की कृपा से मेरा गुस्से का ऑपरेशन होया, तो मैंने देखा ये जो पुट्ठी वाला बाग है पुट्ठी वालों का, यहाँ आराधना बैठे थे, आकाश एक पीला रथ उसमें जो बैठा था वो पीला घोड़े भी पीले थे, जब वो नीचे आके उतरे तो पीला घोड़ा पीला इस पर सवार था। मैंने गुरु महाराज से कहा कि इस आराधना में एक ऐसे रथ दिखाई दिया पीला, और इस तरह से वो बाद में घोड़ा भी पीला हो गया। गुरु जी बोले ये हमारे मित्र झाड़ दीवान थे और ये ही हमारी संगत की देखभाल करते हैं। और उसी दिन फिर स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए, शिव जी के हुए, विष्णु जी के भी हुए, ब्रह्मा जी के भी हुए उसी दिन। और एक बार ऐसा लगा कि मैं यमराज जी हम शिव जी के पास गए हिमालय पर्वत पर, दूधिया मौसम हो रहा था और उनका मुंह दक्षिण की तरफ को था। मैंने उनके जो बाएं गोड्डे पर माथा टेका तो वे बोले कि आप यहाँ घूमना आए हो, मैं कहाँ, तो उन्होंने हंसा कि जाओ पीछे जाओ घूमो, तो वहाँ जैसे इकोम आवाज आती तो आवाज़ आ रही एक एक तू तू सच्चा सच्चा तेरा तेरा नाम नाम सच्चा इस तरह सारी थी। एक बार मैंने देखा कि जो मैं आराधना में बैठा था शाम वाली रात की वाली में कि एक मेरे शरीर से एक फूल निकला और वो आकाश में चढ़ता उत्तर दिशा को जाता रहा फिर एक बहुत पहाड़ लंबा चौड़ा पहाड़ा उसमें घाटी में नीचे गया। वहाँ देखा तो एक शिवलिंग जैसी कोई चीज़ थी, वो मुझे सही ध्यान से क्या चीज़ थी वो फूल उस पर रखा गया। और आए दिन मुझे अनुभव भी होते रहते हैं काफ़ी, और कभी कभी आने वाली समस्या या आने वाली चीज़ का भी पता रहता है जी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, आश्रम का जीवन और साधारण लोगों के सामाजिक जीवन में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? मैं आपको नहीं बताता हूँ जी, अगर मैं घर पर था रहता इस तरह तो जहाँ मेरा ये माथा सर नहीं जा सका था उस जगह मेरे पैर पहुँच गए उस जगह। और मेरा पहला जीवन तो वैसे ही था, एक दुनियादारी का यानी बेकार से जीवन था, इसमें आध्यात्मिक चढ़ाई हुई और फिर बहुत जन्मों के तप करने के बाद मनुष्य को गुरु की शरण मिलती है, यानी गुरु की निकटता मिलती है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, पहली होती है सानिध्य है, तो सबसे पहले सानिध्य ही गुरु का वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, अहोभाग्य है ये गुरु का और स्वामी जी महाराज का और मेरे माता पिता का भी जरूर आशीर्वाद है जो मैं गुरु जी चिन्ह में। और एक बात और है, ये भी सत्य घटना है। क्या? 1990 से पहले मैं गुरु जी गिलाड़े जा रहे थे,
हमारे गांव में एक मणि वाले देवता के नाम से देवता। ये गिराड़ा कहाँ पड़ता है? ये आश्रम से दक्षिण को पड़ता है 2 किलोमीटर। अच्छा, दक्षिण की ओर। हाँ, तो एक मणि वाले देवता गुजरे, तो मैंने कहा कि गुरुजी ये हमारे गांव के सबसे बबड़े देवता हैं। फिर जब मैं 90 के बाद संन्यास ले लिया तो मैं ये सोचता रहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा क्रम नहीं था जो मैं गुरु के चरणों में आता या महात्मा बनता। तो मुझे सपना दिखाई देता है, वे मणि वाले देवता वे गुरु से कह रहे हैं कि ये आत्मा हम तुम्हें अर्पण करें, तुम्हें दे रहे हैं ये। तो मुझ पर गुरु जी का, स्वामी जी महाराज का और मेरे जो गाँव के ग्राम देवता उन सबका और मेरे माँ बाप सबके आशीर्वाद से मैंने ये संन्यास में जो आया हूँ उनके आशीर्वाद से। मेरी इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो बस चलता रहा जिधर रास्ता मिलता चला गया। और आपका युवाओं के बारे में क्या कहना है? आजकल के युवा ज़्यादातर पूजा पाठ में अपना मन नहीं लगाते, वो अन्य कामों में उनकी ज़्यादा रुचि रहती है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, आज के युवा चरित्रहीन नहीं दिशाहीन है। अगर आज के युवाओं को दिशा सही दी जाए तो ये नहीं होता। एक आप इस्लाम में जाओ, जब वो गरीब हो या मालदार हो, सबसे पहले उन्हें कुरान की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? धर्म ये नहीं कहता कि तुम जो निकम्बे बन जाओ, बेकार बन जाओ। धर्म हमें सिखाता है कि अपना कर्तव्य का पालन करो, और वो विवेक का पाठ पढ़ाता है। धर्म जो विवेक का विवेक ये हमें इससे कैसे बात करनी है, हमारा क्या कर्तव्य है। अग्निदेवता जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी जी, आपने अपने अनुभव बताए, हमें बहुत पसंद आए। आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।